नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि आधार कार्ड में मोबाइल नंबर कैसे लिंक करें। तो दोस्तों, अगर आप अपने आधार कार्ड में अपना मोबाइल नंबर लिंक करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी देने वाला हूँ। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले अपने मोबाइल या कंप्यूटर में किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है, और ब्राउजर को ओपन करने के बाद में आपको उस पर डाल देना है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। तो आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक डाल के जैसे सर्च करेंगे तो आपको सबसे ऊपर वाली वेबसाइट पे क्लिक कर देना है, जो लिखा होगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक पर्सनल। तो आपको इस वाली वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। तो आप इस वाली वेबसाइट पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट कुछ इस तरह का ओपन होके आ जाएगा। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए लिखा होगा सर्विस रिक्वेस्ट। तो आपको सर्विस रिक्वेस्ट पे जाना है, और जाने के बाद में आपको सबसे फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, जो लिखा होगा आईपीबीबी कस्टमर्स। तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो आप इस वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे, इस पे आप जैसे प्रेस करेंगे तो ये अगला डिटेल जो है कुछ इस तरह का ओपन होके आ जाएगा। दोस्तों, आपको क्या करना है, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हुए थोड़ा नीचे आ जाना है, और नीचे आ जाने के बाद में यहाँ पर देखिए ऑप्शन मिल जाता है आधार मोबाइल अपडेट और चाइल्ड आधार एनरोलमेंट। तो अगर आप किसी छोटे बच्चे का आधार कार्ड बनाना चाहते हैं तो यहाँ से आप जो है छोटे बच्चों का आधार कार्ड बना सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए लिखा होगा आधार मोबाइल अपडेट। तो आपको इस वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट कर देना है, इसको इस पे आपको टिक कर देना है। और टिक करने के बाद में आप थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है सॉल्यूशन। तो आपको इस पे क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद में आप अपने नाम के पहले जो है मिस्टर्स लगाते हैं या मिस्टर लगाते हैं तो आपको उसको सेलेक्ट कर लेना है। और सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम एंटर कर लेना है, और फर्स्ट नेम को एंटर करने के बाद में आपको लास्ट नेम यहाँ पर एंटर कर लेना है, अगर आप लास्ट नेम लिखते हैं तो, अगर नहीं लिखते हैं तो कोई बात नहीं। और उसके बाद में आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर कर लेना है, जो भी आप अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करना चाहते हैं आपको उसी मोबाइल नंबर को यहाँ पर फिल कर लेना है। और फिल करने के बाद में आपको ईमेल आईडी भी आपको यहाँ पर फिल कर देना है, और फिल करने के बाद में आपको एड्रेस अपना यहाँ पर पूरा फिल कर लेना है। जैसा कि यहाँ पर देखिए लिखा होगा एड्रेस फर्स्ट लाइन और एड्रेस सेकंड लाइन, तो आपको दोनों में अपना एड्रेस फिल कर लेना है। और फिल करने के बाद में आपको यहाँ पर देखिए ऑप्शन मिल जाता है पिन कोड। तो आपको यहाँ पर अपना पिन कोड, आपके एरिया का जो भी पिन कोड हो, आप यहाँ पर अपना पिन कोड एंटर कर लीजिएगा। और पिन कोड को एंटर करने के बाद में आपको यहाँ पर देखिए ऑप्शन मिल जाता है नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस। तो आपका जो भी पोस्ट ऑफिस होगा यहाँ पर देखिए शो होके आ जाएगा। तो आप अपने पोस्ट ऑफिस पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, और सेलेक्ट आप जैसे पोस्ट ऑफिस पे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक पूरा डिटेल यहाँ पर फिल होके आ जाएगा। सब डिवीजन और डिवीजन और रीजन और सर्किल और स्टेट यहाँ पर पूरा अपने आप जो है फिल हो चुका है। और होने के बाद में आपको यहाँ पर देखिए ऑप्शन मिल जाता है एनी स्पेसिफिक रिक्वेस्ट। तो आपको इसमें क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है लिंक मोबाइल नंबर इन आधार, इतना डाल के आपको छोड़ देना है। और उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिल जाता है मैंडेटरी डिस्क्लेमर। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर टिक कर देना है, इसको आपको एक्सेप्ट कर लेना है। और एक्सेप्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर देखिए ऑप्शन मिल जाता है कैप्चा कोड। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना कैप्चा कोड यहाँ पर पूरा फिल कर लेना है। आपका जो भी कैप्चा कोड आपके मोबाइल में या कंप्यूटर में शो कर रहा हो, आप अपना कैप्चा कोड यहाँ पर फिल कर लीजिएगा। और फिल करने के बाद में आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो आप सबमिट वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपका जो है फॉर्म सबमिटेड हो जाएगा। यहाँ पर देखिए लिख के आ गया है योर सबमिशन हैज बीन सक्सेसफुल। आपका फॉर्म जो है रिक्वेस्ट में सक्सेसफुल सबमिटेड हो चुका है। अब दोस्तों क्या होगा, 7 दिन के अंदर जो है आपके घर पर जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के थ्रू जो है एक एजेंट भेजा जाएगा, जो कि वो पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भेजा जाता है, और आपके घर पर जाकर ही जो है आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक कर देगा वो। तो दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, 7 दिन आपको वेट कर लेना है, और उसके बाद में आपके घर पे जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के थ्रू जो है एजेंट जाएगा, आपसे मात्र 50 रुपया लेगा और आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक कर देगा। तो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग इस वीडियो के माध्यम से समझ गए होंगे कि आधार कार्ड में मोबाइल नंबर कैसे लिंक किया जाता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।